सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। करीब 28 दिनों तक रिया जेल में थी और इस दौरान कई बार उनकी जमानत भी कोर्ट में दी गई, लेकिन कोर्ट ने हर बार रिया की जमानत को खारिज कर दिया। हालांकि बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें शर्तों पर जमानत दे दी। इस बीच अब खबर ये है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के खिलाफ कड़ा कदम उठा सकती है। जेल से बाहर आने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा था कि जिन लोगों ने भी रिया को अपमान किया है या उसके खिलाफ गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उन पर मानहानि का केस भी करेंगे। अब कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अंकिता लोखंडे के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने अंकिता लोखंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है। रिया चक्रवर्ती अब जल्द ही कानूनी कार्रवाई अंकिता लोखंडे पर कर सकती है और रिया अंकिता के खिलाफ बयान देने वाले और भी लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि अब अंकिता लोखंडे के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया है रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के जाने के 4 महीने बाद। तो ये है पूरी खबर, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद हो चुका है बड़ा खुलासा कि कैसे रिया चक्रवर्ती अब हर किसी से लेगी अपने अपमान का बदला और पहुंचाएगी जेल की सलाखों के पीछे। जहां पर रिया ने ये कदम उठाया रिया चक्रवर्ती को लेकर और अंकिता लोखंडे को लेकर, जहां पर वो अब अंकिता लोखंडे को खिलाफ करेगी FIR दर्ज और पहुंचाएगी अंकिता को जेल की सलाखों के पीछे। नेक्स्ट टाइम लाइव से रजनी की रिपोर्ट।